Hey guys, once again, hi. I'm here at Pharmadic Pharma, जहाँ पर हमारा सेमिनार हो रहा है डॉक्टर ईसा लिपोट्रिक की तरफ से. यहाँ पर और टॉपिक है हमारा ब्रेस्ट कैंसर. मैं जाती हूँ अंदर सेमिनार हॉल में और जहाँ पर डिस्कस हो रहा है कि ब्रेस्ट कैंसर के रीज़न क्या है. तो हम बताते हैं जो कि मुझे दो तीन बातें समझ आई है कि ब्रेस्ट कैंसर क्यों होता है. नंबर वन, जब आपका वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो अपना वेट थोड़ा कंट्रोल करें. जब वेट आप कंट्रोल करेंगे तो आपका ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस कम होते हैं. और सेकंड, आपकी डाइट, डिपेंड ऑन डाइट एज वेल. ओके, तो अभी हमारा सेमिनार हो गया ख़त्म क्योंकि मैं बहुत बार सुन चुकी हूँ और मुझे रट चुका है. तो अभी हम जा रहे हैं खाना खाने के तरफ. तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम लोगों को फार्मेटिक फार्मा के तरफ से क्या लंच मिल रहा है. हियर इज डॉक्टर अनम. अब उनसे हम पूछेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर से तीन निजात बताएं. हाय डॉक्टर अनम, कैसे हैं आप? अलहमदुल्ला जी. अभी आज आपका टॉपिक था ब्रेस्ट कैंसर, तो आप ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे ब्रेस्ट कैंसर से अपने आप को कैसे निजात दें? मंथ अक्टूबर का है और ये मंथ हम लोग स्पेशली सेलिब्रेट करते हैं टू क्रिएट द अवेयरनेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर. और ब्रेस्ट क्योंकि एक इटर्नल पार्ट है वुमेन के अंदर, सो इसके अंदर जो कैंसर डेवलप होता है चाहे वो बेनाइन हो या मैलिग्नेंट हो, उससे रिलेटेड हमें हर फीमेल को अपनी अगर बहुत अच्छी हमारी कोई फ्रेंड है उसको भी या इवन कोई दुश्मन भी है उसको भी हमें अवेयर करना चाहिए. इसके बारे में सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप अपना सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन खुद करो अगर आपको कोई भी शायनेस या इस तरह की कोई भी चीज़ है. और अगर आपके पास कोई भी इस तरह की कोई डॉक्टर मौजूद है, फीमेल डॉक्टर जिससे आप कंफर्टेबल हो, साल में एक बार उससे अपना एनुअल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन को लाजमी करवाओ. इसके अलावा अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आप साल में एक बार या दो साल में एटलीस्ट एक बार आप अपना मेमोग्राफी जो है वो करवाओ. और हमारी मेमोग्राफी तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप यहाँ पे आए और हमारी इन सर्विसेज से फायदा उठाएं, नॉट जस्ट फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, इवन फॉर द होल ईयर. अच्छा, मेमोग्राफी के अलावा तो अल्ट्रासाउंड भी था, राइट? एग्जैक्टली, मेमोग्राफी भी और अल्ट्रासाउंड भी, ब्रेस्ट. ओके, तो हम जाके मिलते हैं मैडम यूसरा से जो कि बहुत बिजी है अपने मोबाइल पे. वेलकम जी मैडम यूसरा. आपने क्या सीखा है ब्रेस्ट कैंसर से? दो बातें बताएं. तो भी आप करके बताएंगे. ओके, थैंक यू. हमारी चाय बन के आ चुकी है यार, मुझे विदाउट शुगर पीनी है. एक देखते हैं, एक की लेती हूँ. आई थिंक दैट्स एनफ फॉर मी. के मुझे डाइट को भी थोड़ा सा रखना है अपने साथ. हियर इज माय नम नम नाइस स्नैक्स एंड मी. सो ये मेरे लिए, ये बना के लेकर आया. तो मैं एंड जाके बता दूंगी कि क्या हुआ. लेकिन हमें कोई प्रेजेंट करने आ रहा है कुछ. हेलो, दिस इज फॉर मरीना फॉर पार्टिसिपेशन इन द इवेंट. थैंक यू सो मच. फार्मेटिक फार्मा वाले बहुत ज़्यादा अमीर हैं, तो देखिए फार्मेटिक फार्मा की तरफ से हर पार्टिसिपेंट को इतना बड़ा गिफ्ट मिल रहा है, ज़रा देखिए. थैंक यू सो मच फॉर योर गिफ्ट. और आप मुझे सिर्फ दो वर्ड बताएं कि आपने डॉक्टर अनम की जो स्पीच सुनी है क्या सीखा, सिर्फ दो वर्ड में बस. मैंने ये सीखा कि सेल्फ इंस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है. ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी डिजीज़ है जिससे पेशेंट जो है वो खुद से इंस्पेक्शन करके बहुत जल्दी अवेयर हो सकता है. तो फीमेल्स को यू नो अपना खुद से सेल्फ
इंस्पेक्शन करते रहना चाहिए। थैंक यू सो मच, तो हम भी चलते हैं, बाय बाय, अब बात में मिलते हैं। इवेंट हो गया ख़त्म, अब हम फार्माटेक फार्मा से जा रहे हैं रैप की तरफ, क्योंकि हमारे जो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस था वो बड़े अच्छे से ख़त्म हुआ है, बहुत ज़बरदस्त अवेयरनेस था हर लड़कियों के लिए, ख़वातीन के लिए। तो इसलिए बी अवेयर, जिससे हमने सीखा कि आप सेल्फ एग्जामिनेशन करते रहिए, ठीक है, बहुत ज़रूरी है, और अपने अपने खुद का, खुद के अलावा जितने भी आपके इर्द गिर्द ख़वातीन हैं, आपकी बहनें हैं, कोई भी है, तो आप आपके फ्रेंड हैं, आप उनको भी ये चीज़ें सिखाएं कि साल में एक बार ज़रूर एग्जामिनेशन करवाएं, अल्ट्रासाउंड के थ्रू, मेमोग्राफी के थ्रू, डॉक्टर के थ्रू, या ख़ुद से। थैंक यू सो मच, मिलते हैं, बाय। पता है ये पिंक और वाइट जो है ये इसका मतलब क्या है? और ब्रेस्ट कैंसर वो पूरे अक्टूबर में मनाया जाता है, और सिर्फ अक्टूबर में मनाना नहीं चाहिए बल्कि पूरे साल मनाना चाहिए, पूरे साल हमें अवेयर रहना चाहिए, तो इसलिए मैं इसको पहन के बता रही हूँ। बी अवेयर पिंक पहन के हम स्टार्ट कर रहे हैं, और इसको हम दे रहे हैं गिफ्ट टू अवे, ये लो आपके लिए।